प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतीज भाग दो की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता का दूसरा पद करवाते हैं। प्रसंग आपका पहले वाला ही है, सुनिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण कहते हैं, लखन माने लक्ष्मण, कहा माने कहते हैं, हंसी माने हंसकर, हमरे जाना, हमने तो ऐसा जाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे देव, हमने तो ऐसा जाना, सुनूं और सुना है, देव माने देव, सब धनुष समाना, कि सभी धनुष समाने होते हैं। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे देव, हमने तो ऐसा जाना और ऐसा सुना है कि सभी धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जनु जून धनु तोरे, लक्ष्मण कहता है परशुराम से, का क्षति क्या हानि, लाभ लाभ जून पुराने धनु माने धनुष को, तोरे माने तोड़ने से, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नैन के भोरे, देखा माने देखा, राम श्री राम ने नैन माने नए के, भोरे माने भरम में, श्री राम ने तो इस धनुष को नए के भरम में देखा ही था। छुवत टूट रघुपति ने दोसु, फिर कहता है लक्ष्मण, छुवत माने छूते ही, टूट माने टूट गया, रघुपति हु श्री राम, ने माने ने, दोसु माने दोष, श्री राम ने तो इसे छुआ था और छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि, बिनु काज बिना काम के, करिए माने कर रहे हो, कतरोसु क्रोध, हे मुनि आप तो बिना काम के ही क्रोध प्रकट कर रहे हो, या आप तो बिना काम के ही क्रोधित हो रहे हो। बोले चित परशु की ओरा, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के बोले, बोलने लगे, चित माने देखकर, परशु माने फरसे की ओरा माने तरफ, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोलने लगे, रे सठ अरे मूरख, सुने ही सुना, सुभाव स्वभाव, ने माने नहीं, मोर माने मेरा, अरे मूरख तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बदो नहीं तो ही, परशुराम जी कहते हैं बालक बोली, तुम बच्चे हो, बालकु माने बालक या बच्चे हो, बोली माने बोल रहे हो, तुम बालक हो बच्चे हो इसलिए मेरे सामने बोल रहे हो, वधो नहीं तो ही, अगर तुम बड़े होते, नहीं माने नहीं तो ही माने तो, वध माने वध कर देता, अगर तुम बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हारा वध कर देता। केवल मुनि जड़ जनाही मोही, परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से, जड़ माने मूर्ख, अरे मूर्ख, जड़ मूर्ख, अरे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि ही, निरा मुनि ही जानते हो, अरे मूर्ख, तुम केवल मुझे निरा या केवल मुनि ही मुनि मान रहे हो। क्या कहता आगे, बाल ब्रह्मचारी, परशुराम अपना बखान करते हुए कहता है, बाल ब्रह्मचारी, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ, विश्व विदित, विश्व माने संपूर्ण संसार विदित जानता है, संपूर्ण संसार जानता है, अक्षत्रिय कुल अक्षत्रियों के वंश का द्रोही विनाश करने वाला हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार जानता है कि मैं अक्षत्रिय वंश का विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनकिनी, भुजबल मैंने अपने भुजाओं के बल से, भूमि माने इस पृथ्वी को, भूप माने राजाओं से, बिनु माने के बिना, किन माने कर डाला, मैंने अपने भुज बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर डाला, यानी सभी राजा लोगों को मार डाला,
विपुल बार, विपुल माने अनेक बार, मही माने पृथ्वी, देवन माने देवताओं को, दिनी माने दे डाली। जब मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर डाला अपने भुजबल के बल पर, तो उस समय मैंने ऐसा अनेक बार किया और अनेक बार यह पृथ्वी मैंने देवताओं को दान में दे डाली। सहस बाहुबुद छेदन हियारा, परसो बिलोको महीप कुमारा। महीप माने राजा का, कुमार माने पुत्र। हे राजपुत्र या हे राजकुमार, सहस्त्र भाव भुज छेदन हारा, क्या कहता है? सहस्त्र भाव भुज क्या करता है? छेदन हारा, मेरे इस परसे को देख। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र भाव भुज भुजों को, सहस्त्र भाव भुजों को छेदन यारा, छेदने वाला, काटने वाले परशु माने फरसे को, बिलोको माने देख। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र भाव भुज को छेदने वाले मेरे इस परसे की ओर देखो। क्या है? मातु पितु पितु जनी सोच बस करसी महिष किशोर। कहता है महिष माने फिर राजकुमार, किशोर माने किशोर अवस्था का। हे राजपुत्र तुम ऐसा करके मातु पितु माता पिता को जनी मानो सोच बस चिंता में करसी कर रहे हो। हे राजकुमार, तुम ऐसा करके अपने माता पिता को चिंता के वश में क्यों कर रहे हो? गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि जब ये मेरा परशु परसा मोर माने बहुत अति ज़्यादा घोर भयानक है, मेरा ये परसा बड़ा अत्यंत भयानक है। परशुराम जी कहते हैं परशु माने परसा, मोर माने मेरा, अति माने बहुत ज़्यादा, घोर माने भयानक, मेरा जो ये परसा है बड़ा भयानक है, बहुत भयानक है। जब ये चलता है युद्ध में तो गर्भन के अर्भक दलन, क्या है? गर्भ में पल रहे अर्भक दल, बच्चों के दल का, दलन माने विनाश, गर्भ में पल रहे बच्चों का विनाश कर देता है। परशुराम जी कहते हैं कि जब मेरा ये फरसा चलता है बड़ा भयानक है, इसके भयानक गर्जना के कारण माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चों का भी विनाश कर देता है। कहने का भाव क्या है कि यह फरसा जब चलता है किसी छोटे बड़े की ओर को नहीं देखता। तो भाव क्या है इस पद का? इस पद के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहता है, लक्ष्मण के द्वारा कही गई बातों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो जाता है और अपनी प्रशंसा करने लगे जाता है। भाषा अवधि, भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ओजगुण वीर रस है और छंदबद्ध रचना है। आशा आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी।